देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसी श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम 7 अक्टूबर को अन्न उत्सव के रूप में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर हितग्राहियों को मुफ्त राशन देकर और उन्हें फूल की माला पहनाकर मनाया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों ने देश के पीएम के नाम पोस्ट कार्ड पर धन्यवाद और आभार लिखकर पीएम आवास के लिए भेजा। भारतीय जनता पार्टी मंडल गोरमी ने 2 दर्जन से अधिक राशन की दुकानों पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की ओर से एक प्रभारी एवं एक सह प्रभारी की ड्यूटी लगाई थी, जिससे गरीबों को राशन मिल सके एवं उनसे चर्चा हो सके। इस अवसर पर ग्राम कचनाव कला एवं कचना खुर्द एवं हसनपुरा पंचायत की राशन की दुकान पर सामूहिक रूप से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गरीब किसान मजदूर की रात दिन चिंता करने वाले हैं। उनका उद्देश्य गरीब को समाज की मुख्य धारा में उन्नति की ओर ले जाने का है। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इस बार उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा एवं समर्पण दिवस के रूप में मनाकर समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आज ग्राम पंचायत कटना कला एवं कटना खुर्द के हितग्राहियों को जो हमारे भाई हैं इनको आज राशन मुफ्त में वितरण किया गया है। ये पिछले कोरोना काल से मिल रहा है इनको जी, और लोग बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री जी को सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के गोरमी से रणवीर परमार की रिपोर्ट।